गले का एक तो है ग्रे, तो ये छोड़ दूं? ये छोड़ दें। जब सर्दियां हो जाती हैं शुरू, तो फिर आपको कुछ एसेंशियल चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें शामिल हैं टोपे, मोटे सॉक्स, ग्लव्स, और यही लेने के लिए हम आए हुए हैं डी कैथलिन। और वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी इस मंकी कैप पे। अगर बच्चे ये मंकी कैप पहन लें तो ये बहुत ही जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि आपकी सिर्फ आइज़ और नोज़ खुली हुई होती है, बाकी पूरा फेस कवर हो जाता है। और क्योंकि नवंबर का महीना है और स्नो कभी भी हो सकती है, तो हम स्नो के लिए, कुछ बच्चों के लिए और अपने लिए शूज़ लेने के लिए आए थे, जो कि हमें बड़ी ही मुनासिब प्राइस में यहाँ से मिल गए हैं। डी कैथलिन में आपको काफ़ी मुनासिब प्राइस के अंदर जैकेट्स और इस तरह के बूट्स
स्नो बूट्स वगैरह मिल जाते हैं इनके स्पोर्ट्स सेक्शन में। तकरीबन हर स्पोर्ट्स की चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ तक कि मैंने जो सोर्ड फाइटिंग यानी तलवारबाजी में जो आप पूरा कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मैंने वो पूरा कॉस्ट्यूम यहाँ पे देखा। और मेरे बच्चों के टेबल टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वॉश वगैरह के रैकेट हमने सब यहीं से लिए हुए हैं। बाज़ दफ़ा डील के अंदर यहाँ पे आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे तो तकरीबन हर जगह ही बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं, लेकिन अभी मेरे बच्चों को 1 वीक और स्कूल जाना है। इनका लास्ट डे ऑफ स्कूल है 2 नवंबर, यानी 5 नवंबर से इनकी जो है वो हॉलीडेज स्टार्ट हो रही हैं। और कभी कभी इन इस तरह की ऑफ सीज़न हॉलीडेज से फ़ायदा भी हो जाता है और कभी कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल ये हर स्कूल का अपना सिस्टम है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी अफसोस होता है कि सब बच्चे छुट्टी मना रहे हैं और मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि मेरे बच्चे तो छुट्टी पे हैं और बाकी सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। डीकैथलन से आने के बाद मैंने बर्गर बनाए, क्योंकि ये पूरा हफ्ता काफ़ी जो है वो थकाने वाला बन रहा था, तो मैंने कहा कि अब इस दफ़ा कुछ जो है वो हल्का सा बना लेते हैं जो कि जल्दी और क्विक बन जाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।